पोषण माह के अंतर्गत शिमला के चक्कर में पोषाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य की भी जांच की गई। कार्यक्रम में एसडीएम शहरी नीरज चांदला विशेष रूप से उपस्थित रहे। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश भर में पोषण माह अभियान मनाया जा रहा है। पोषण माह के अंतर्गत जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को सही आहार लेने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर शिमला स्थित चक्कर में भी महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला विशेष रूप से मौजूद रही। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम शिमला शहरी नीरज चांदला ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच की गई और साथ ही महिलाओं को दवाइयाँ भी वितरित की गई। उन्होंने कहा कि सही पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि कोई कुपोषित ना रहे। जितने भी हमारे आंगनवाड़ी दो केंद्र हैं, उनकी महिलाएं और जितने भी बच्चे हैं उनको हमने यहाँ एकत्रित किया और हेल्थ डिपार्टमेंट के सौजन्य से हम यहाँ पे हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं, अनीमिया टेस्टिंग कर रहे हैं और जिन जिन महिलाओं को ब्लड की कमी टेस्ट में आएगी उनको हम टैबलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों के लिए हमने एक पोषाहार का कैंप भी लगाया है कि किस तरह का न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड करना है और हेल्थ टॉक भी है यहाँ पे कि महिलाएं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिमला अर्बन जो हमारा ब्लॉक है उसको हम राष्ट्रीय पुरस्कार भी अभी मिला है, तो वो भी पोषाहार के प्रति जो जागरूकता अभियान हमने पिछले वर्ष चलाए थे उसके तहत ही हमें लीडरशिप अवार्ड मिला है और इस साल भी 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये पोषाहार माह मनाया जा रहा है, पूरे ब्लॉक में पूरे भारतवर्ष में ही मनाया जा रहा है। वहीं महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी शिमला शहरी ममता पौर ने कहा कि प्रदेश व देश में कुपोषण की समस्या एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि कोई कुपोषित ना रहे इसके लिए अलग अलग विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सितंबर का जो महीना है ये पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और क्योंकि कुपोषण की जो स्थिति है वो हमारे देश में या हमारे प्रदेश में कहें तो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी बच्चे कुपोषण का शिकार है। तो पूरे माह के दौरान अगर मैं शिमला शहरी बाल विकास परियोजना की बात करूं तो हमने पूरे माह के लिए एक कैलेंडर बनाया है जिसमें कि हम अलग अलग गतिविधियां आयोजित करेंगे, वो लोगों को जागरूक करने के लिए भी गतिविधियां रहेंगी। स्कूलों में भी हम गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें कि किशोर किशोरियों का HB टेस्टिंग हम करवाएंगे ताकि हम उनकी जो अनीमिया की स्थिति है उसका हम पता लगा सकें। लोगों को जागरूक करने के लिए हम हेल्थ टॉक्स, रैलियाँ, नुक्कड़ नाटक, इसके साथ साथ क्योंकि पोषण अभियान एक कन्वर्जेंस का प्रोग्राम है तो अलग अलग विभागों से भी हमने जो है समन्वय स्थापित करके अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं वो आयोजित करने जा रहे हैं। देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या, बेरोजगारी और भुखमरी से कुपोषण का आंकड़ा बढ़ना लाजमी है। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि सिर्फ वो लोग ही कुपोषित नहीं हैं जिनको दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता, बल्कि इस सूची में वो लोग भी शामिल हैं जो पैसों से पोषाहार लेने की बजाय जंक फूड से पेट भरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।